वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी, आप सभी लोगों का शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी के इंटरवल तक के रिव्यू में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई, शाहिद कपूर एक्सेलेंट परफॉर्मेंस, ब्रिलियंट स्टार्ट से लेकर इंटरवल तक। शाहिद कपूर ने जिस तरह का इमोशन दिखाया है, जिस तरह का ठहराव दिखाया है अपने परफॉर्मेंस में, वाकई में काबिल तारीफ है। मृणाल ठाकुर डज अ वेरी डिसेंट जॉब, ओके जॉब, इमोशनल सीन्स में वो थोड़ी इफेक्टिव लगती है, लेकिन पंकज कपूर जो कि यहाँ पे शाहिद कपूर के साथी है, जो कि कोच रहते हैं एक क्रिकेट टीम के, उन्होंने बहुत ही लाजवाब काम किया है। शाहिद कपूर का जो बच्चा है इस फिल्म में, ही इज़ डिसेंट, काफ़ी अच्छे लगते हैं शाहिद कपूर एंड यू नो उसके बच्चे के बीच में सीन्स। अब गाइस कहानी कुछ इस तरह से है कि शाहिद कपूर पहले क्रिकेटर रहता है, अनफॉर्चुनेटली कुछ कारणवश वो क्रिकेटिंग जो है वो छोड़ देता है। अब कुछ फूड इंस्पेक्टर की नौकरी जो है वो करता है, लेकिन उसमें भी वो सस्पेंड हो चुका है, घर पे बैठा रहता है, सुट्टा मारते रहता है, उसके दोस्त आके यू नो पूरा दारू वारू पीते हैं, पत्तेबाजी करते हैं, कुछ नौकरी वोकरी है नहीं, घर के लाइट बिल जुए में लगा देता है। अब उसकी बीवी जो है मृणाल ठाकुर, वो होटल में मैनेजर की नौकरी करती है। अब गाइज यहाँ पर एक दिन उसका बच्चा जो है अपने बर्थडे के दिन जर्सी मांगने की जिद कर लेता है, यानी कि 1996 वर्ल्ड कप का, विल्स का जो वर्ल्ड कप था उसकी जर्सी उसका बच्चा मांग लेता है। अब शाहिद के पास पैसे नहीं है, क्या होता है, क्या इमोशनल टर्मोइल होता है उस 500 रुपए के लिए, क्या वो डिसाइड करता है उसके बाद, ये इस फर्स्ट हाफ की कहानी है। देखिए गाइस जर्सी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि द फिल्म इज अ कट कॉपी टू कॉपी यू नो ऑफ द तेलुगु वर्जन। एक भी सीन, एक भी यू नो नरेटिव, पूरा का पूरा स्क्रीन प्ले ऐसा लगता है कि तेलुगु वर्जन बस यहाँ है और यहाँ है, बस कैरेक्टर्स बदल दिए। तो जो लोगों ने तेलुगु वर्जन देखा है इस फिल्म का, वो शायद उनको इस फिल्म में ऑलमोस्ट बैठने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि स्क्रीन प्ले स्लो है इस फिल्म का, बहुत ही स्लो नरेटिव है। तो लॉकडाउन के कारणवश लोगों ने जर्सी बहुत बार देखी है, मैंने खुद ने कम से कम 4-5 बार इसका जो हिंदी डब है उसमें देख लिया हूँ, तो उनको ये फिल्म उतनी शायद नहीं पसंद आएगी। लेकिन जो फिल्म पहली बार देख रहे हैं, यानी कि जर्सी एज एन फर्स्ट टाइम वॉच देख रहे हैं, उनको फिल्म इफेक्टिव लगेगी, क्योंकि परफॉर्मेंसेज अच्छी है फिल्म की, कहानी अच्छी है, कहानी में ठहराव है, बहुत यू नो अरसे बाद एक यू नो वेल टू डू या पूरा क्लीन एट हार्ट फिल्म जो कहती है ना, उस तरह का आया है। एंड डायरेक्टर ने काफ़ी ऑनेस्ट रखा है फिल्म को, जो लोगों को 83 पसंद नहीं आई थी ड्यू टू एक्सेस क्रिकेट, यहाँ पर पूरा का पूरा क्रिकेट मैच दिखा दिया इंटरवल में, और इन ऑल मिक्स्ड फीलिंग्स है जिन्होंने यू नो जर्सी जो है ओरिजिनल नानी की देखी है, उनको शायद ये फिल्म ज़रा भी पसंद नहीं आएगी, बोलेंगे वापस रेपिटेटिव है, शायद वो थिएटर में ना आए, लेकिन जो लोग थिएटर में आएंगे उनको ये फिल्म बांध कर रखेगी या नहीं रखेगी ये इंटरवल के बाद पता चलेगा। फिलहाल फिल्म जो है वो डिसेंट है, इतनी भी कुछ ओवर द टॉप या ग्रेट नहीं है, शायद की परफॉर्मेंस एंड पंकज कपूर की परफॉर्मेंस डिसेंट है। इंटरवल तक आई गिव दिस फिल्म 2.5 स्टार्स। लेट्स सी इंटरवल के बाद ये फिल्म डिसअपॉइंट करती है या क्या होता है, तो वक्त ही बताएगा। एज ऑलवेज से स्टे कूल।